हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे ETF बताने वाला हूं जिन्होंने लगभग जो है आप देखेंगे 64% से लेके 97% के रिटर्न जनरेट करके दिए पिछले एक साल में। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि उनके एक यूनिट का प्राइस क्या होने वाला है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा लगने वाला है, और ये ETF आपको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके ज़रूर रखने चाहिए। और जब भी आपका मौका लगे आपको इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के साथ, या मैंने बहुत सारी लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की हैं, उन स्ट्रेटजी के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर बात कीजिए कि आपको इन ETFों में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बगल में जो घंटी का आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पूर्वक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा अपने मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पे और वहीं पे दिखाने का प्रयास करूँगा कि वो कौन कौन से ETF हैं जिनमें आपका पैसा लगेगा और आप शानदार और बेहतरीन यहाँ से प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की डिस्प्ले पे और वहीं पे एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से ETF हैं टॉप 10 जिनमें आपका पैसा लगेगा और जो है यहाँ से बना सकते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला ETF आप देखेंगे CPSC ETF है। इसका बहुत सारे डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप एक बार इन वीडियो को चेकआउट कीजिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आपको वीडियो इसके ऊपर मिलने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन और शानदार मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी भी साझा की है। तो इसके एक यूनिट का अगर आप प्राइस देखेंगे तो एक यूनिट का प्राइस है इसका 85 रुपये, ओनली 85 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं। एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 97% के आसपास के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। वहीं एक बार देख लेते हैं कि आपका पैसा कितनी कंपनियों में लगेगा। और सबसे पहला, जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करता हूं, आपको यहां भी बता रहा हूं कि इसमें जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ही शानदार है, 48 लाख से ऊपर का वॉल्यूम इसके अंदर है। तो आपको बाय सेल करने में कोई भी दिक्कत होने वाली यहाँ पे है नहीं। और इसी के साथ साथ देखेंगे आपका जो टोटल पैसा है वो 11 कंपनियों में लगने वाला है, वो भी सरकारी सेक्टर की PSU कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। सारा का सारा PSU कंपनियाँ इसके अंदर सम्मिलित हैं। बहुत ही शानदार इसने आपको रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब इसकी अगर टॉप होल्डिंग की बात करूँ, यानी कि इसका किस कंपनी में कितना वेटेज है, तो कुछ कंपनियों में मैं बता देता हूँ। NTPC में जो इसका वेटेज है, किसका, CPSC में जो NTPC का जो वेटेज है वो है 20% से ऊपर का, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे पावर ग्रिड में 19% का ऊपर का जो है वेटेज है, 19% से ज़्यादा इसके अंदर पावर ग्रिड जो है वेटेज रखती है। ONGC का देखेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, उसका 17% से ऊपर का जो है इसके अंदर वेटेज है CPSC के अंदर। आप देखेंगे कोल इंडिया का 16%, वेल का देखेंगे 13 और अदर का जो है इसमें 13% के आसपास है। तो ये वो कंपनियां हैं, ETF ने कितने रिटर्न दिए हैं, कितने रुपए का एक जो है आपको यूनिट इसका मिलेगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगा कर रेगुलर बेसिस पे आप यहां से पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगला ETF बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त है जिसका नाम है मोबाइल, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है। एक यूनिट का प्राइस की बात करूँ 97 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। एक साल के रिटर्न की बात करूँ 90% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन कंपनियाँ इसके अंदर भी हैं। आप देखेंगे वॉल्यूम की कमी होने वाली नहीं है, 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम इसके अंदर रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है सर। इसी के साथ साथ आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर 30 है, 30 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, कंटिन्यू तरीके से 30 कंपनियां इसके अंदर रहती हैं। और आप देखेंगे इसमें जो टॉप वेटेज है वो कंपनियां हिंडालगो की 10% से ऊपर की वेटेज है, ग्रासिम की 9% से ऊपर की वेटेज है, SBIN की, यानी कि सरकारी सबसे बड़ा बैंक है, उसकी वेटेज भी इसके अंदर 8.90 के आसपास, यानी कि लगभग 9% के आसपास की वेटेज है। ONGC में इसकी वेटेज है 8.53% की, IOC में वेटेज है 7% से ऊपर की। वहीं देखेंगे अदर कंपनियों में 56% की वेटेज, जो 30 स्टॉक इसके अंदर हैं उसमें वेटेज इतनी है। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है, ज़बरदस्त वॉल्यूम रहने वाला है, कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। अगला ETF है मफांग, इसमें सारा पैसा जो है फैंग प्लस ETF है, ये तो सारा पैसा आपका विदेशी कंपनियों में लगेगा, ठीक है सर। इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक यूनिट का प्राइस इसका 95 रुपीज़ का है, 1 ईयर के रिटर्न इसके 84% के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न ये देता है और ज़बरदस्त वोलेटाइल ये ETF है। तो शानदार ETF है।
अगला ETF है PSU बैंक की तरफ से आता है, ICICI की तरफ से है ये। ये देखिए ICICI प्रोडेंशियल की तरफ से आता है, 71 रुपये 19 पैसे का आपको एक यूनिट मिल जाएगा। 79% के रिटर्न पिछले साल में इसने जो है एक साल में जनरेट करके दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें या जो है ETF का करें या शेयर का करें, तो हम हिस्ट्री को चेक करके करते हैं, तो उस हिस्ट्री के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ ये वो 10 ETF हैं जिन्होंने एक साल में शानदार रिटर्न आपको बना के दिए हैं। इसमें भी अगर देखेंगे कंपनियाँ तो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कितने जो है स्टॉक इसके अंदर हैं, तो वॉल्यूम की बात करें सबसे पहले 130,000 का जो है इसके अंदर वॉल्यूम है, ज़बरदस्त वॉल्यूम है। और आप देखेंगे 12 स्टॉक इसके अंदर सम्मिलित हैं, ठीक है सर, 12 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। टॉप बेटेज किन कंपनियों की है, तो आप देखेंगे SBI ने इसमें 33% के आसपास की बेटेज रखता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 15% के आसपास की बेटेज रखता है, PNB जो है आपका 12%, कैनरा बैंक 12%, यूनियन बैंक और अदर, तो सारे के सारे इसमें बैंक के ETF हैं क्योंकि इसका नाम ही है PSU बैंक, ठीक है सर, बैंक ITF, इस नाम से आप इसको सर्च करें आपको वॉच लिस्ट में मिल जाएगा। और ये जितने भी नाम आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे NSE जो है इसके कोड हैं, इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ETF वहाँ पे मिलेंगे। अगला ETF आपका PSU बैंक भी, डिटेल वीडियो इसके ऊपर चैनल के ऊपर अवेलेबल है, इसमें भी सारा का सारा पैसा PSU में लगेगा। 78 रुपये का LTP है इसका, यानी कि एक यूनिट मिलेगा आपको, रिटर्न देखेंगे 78.82% के आसपास के रिटर्न है। आप कोई सा भी खरीद सकते हैं, आप ICICI की AMC का खरीद सकते हैं, आप जो है PSU बैंक भी खरीद सकते हैं, निपोन की तरफ से आता है, शानदार AMC हैं दोनों, जिस पे भी आपको भरोसा है आप वो ETF यहाँ से खरीद सकते हैं। अगला ETF है आपका अल्फा कोटेक निफ्टी अल्फा 50 में से जो अल्फा जिनके हाई रहते हैं उन कंपनियों में आपका पैसा लगता है। एक यूनिट के प्राइस की बात करूँ 47 रुपये 22 पैसे है, एक साल के रिटर्न की बात करूँ 73% से ऊपर के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा और कितना वॉल्यूम इसके अंदर रहता है। 6 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम की तरफ से बिल्कुल संतुष्टि है आपको, कहीं भी घबराने वाली बात इसमें है नहीं। और आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 50 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, ज़बरदस्त कंपनियाँ हैं निफ्टी अल्फा, ठीक है सर। इसी के साथ साथ आप देखेंगे बेटिज की अगर मैं बात करूं तो BSE में 4.86% की बेटिज है, सुजलॉन में आप देखेंगे 4.313% की बेटिज है, IRFC में 3.88% की बेटिज है, RBNL में जो है 3.42% की बेटिज है, और ये देखिए इसके बाद 3% की बेटिज है, अदर में 80% की बेटिज है। टोटल आप बोलेंगे तो मैं टोटल जितनी भी इसमें कंपनियां हैं उनका मैं आपको लिस्ट भी बना के दे सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ कि आपको जो है टोटल अगर इसकी होल्डिंग देखनी है कौन कौन सी कंपनियों में पैसा लगेगा। लेकिन मोटा मोटी समझिए कि आपका ये जो पैसा है 47 रुपये 42 पैसा ये 50 कंपनियों में लग रहा है, कुछ कंपनियों की झलक मैंने आपको दिखा दी कौन कौन सी कंपनियों में आपका पैसा यहाँ पे लगने वाला है। अगला ETF है शानदार ETF है ऑटो आई, ICICI की तरफ से आता है, ऑटो सेक्टर की कंपनियों में पैसा 23 रुपये 15 पैसे का एक यूनिट आपको मिल जाता है, मात्र 23 रुपये 15 पैसे, 65.95% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए, यानी कि 6.595 के रिटर्न जो है इसने एक साल में जनरेट करके दिए हैं आपको, तो शानदार रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न, ठीक है सर। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, ठीक है सर, और कितना कितना कैसे कैसे बेटिज है। वॉल्यूम की बात मैं करूँगा तो 3 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, जो भी ETF बता रहा हूँ उनमें वॉल्यूम की कोई कमी होने वाली है नहीं, और वॉल्यूम जो है होना बहुत ज़रूरी है। 16 स्टॉक्स इसके अंदर सम्मिलित हैं, यानी कि आपका पैसा 16 कंपनियों में लगेगा इसके थ्रू। टॉप जिनकी टॉप बेटिज है इसके अंदर वो कंपनी आपको बता रहा हूँ, M&M में आपका पैसा लगने वाला है, कितना प्रतिशत लगेगा जी, कितने परसेंट की बेटिज है, 19.54% की बेटिज है। टाटा मोटर में आपका पैसा लगने वाला है, वहाँ पे जो है इसकी बेटिज है इसमें इस ETF में 16.80% की बेटिज है। बजाज ऑटो में 9% से ऊपर की बेटिज है, आइसर मोटर में 5.96% की बेटिज है, अदर में देखेंगे आप 32% की बेटिज है। ये ऐसे करके कंपनियाँ हैं जिसमें इसकी बेटिज है, ऑटो ITF ये आप नोट डाउन करके रखिए, बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। अगला ETF है ऑटो बीज, दोनों एक ही बात है, आप ऑटो आई भी ले सकते हैं ऑटो बीज भी ले सकते हैं, ये ICICI की तरफ से आता है और ये निपोन इंडिया की तरफ से आता है, ठीक है सर। इसका एक यूनिट का LTP 231 रुपये, इसके एक यूनिट का LTP 23 रुपये 15 पैसे, ठीक है सर। तो दोनों एक ही ETF हैं, आप कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं। अगला ETF आपका मोमेंटम, ज़बरदस्त ETF है, 32 रुपये का एक यूनिट आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है सर। और इसके अगर 1 ईयर के रिटर्न की बात करूँ तो 64% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न जो है इसने आपको बना के दिए हैं। इसी के साथ साथ एक बार देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी कंपनियाँ इसके अंदर सम्मिलित हैं और वॉल्यूम क्या है। तो देखिए
ये देखिए 47,223 का इसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक वॉल्यूम है। अगर 20,000 से ऊपर का वॉल्यूम जिन ETF में भी है वो अच्छी ETF है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहाँ पे आपको बाई सेल करने में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और वॉल्यूम अगर लाखों में है तो उससे शानदार कोई बात हो ही नहीं सकती। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूँ 30 हैं इसके अंदर। आप देखेंगे बेटिच कौन सी टॉप कंपनियों में, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, ट्रेंड, कोल इंडिया, HAL और अदर में 71% की बेटिज है। तो ये वो टॉप 10 ETF थे, लेकिन इसमें बाई सेल करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगाने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और बिल्कुल शानदार और बेहतरीन तरीके से आप इसमें SIP चालू कर सकते हैं इन ETF-ों में, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू, रेगुलर पैसिव इनकम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उन स्ट्रेटजियों का पूरे वीडियो मैंने डिटेल में बना रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड कराया, वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट कीजिए, शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है सर। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि आपको जो है निवेश करने से पहले आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और वैसे तो ये ETF हैं, इनका रिस्क काफ़ी हद तक कम है, आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी अपने 100 रुपये, 50 रुपये, 23 रुपये जो भी आप लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा एक कंपनी में नहीं लगा रहे, आप अलग अलग कंपनियों में लगा रहे हैं और वो भी गुच्छ के साथ लगा रहे हैं, यानी कि आप ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में निवेश कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। एक कंपनी नहीं चलेगी कोई दिक्कत नहीं, और आप पैसा इंडेक्स में लगा रहे हैं, सेक्टोरल इंडेक्स में लगा रहे हैं, आप थेमेटिक इंडेक्स में लगा रहे हैं और आप जो है निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में भी पैसे लगा सकते हैं ETF के थ्रू। तो यहाँ पे जो है रिस्क कम है। देखिए मार्केट में रिस्क है, लाइफ में रिस्क है, रिस्क तो है ही, लेकिन रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो वो बेहतरीन ज़बरदस्त 10 ETF जिन्होंने एक साल में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लगातार मार्केट में लॉस किए जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनके लॉसेस रुक जाएंगे और मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करना भी वो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।